हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेके विजन पर। आज मैं आपको जिस देश की सैर कराने जा रहा हूं वो सबसे खुशहाल देश है। एक ऐसा देश जिसकी आप जितनी तारीफ कर लो वो कम है। एक ऐसा देश जहां इंसानों से ज्यादा सूर की जनसंख्या ज्यादा है। यहाँ के बारे में एक बात बहुत पॉपुलर है और वो है स्विमिंग। मतलब इस देश में सबको स्विमिंग आनी चाहिए ही चाहिए। अगर आपने इस देश की किसी भी भीड़ भाड़ वाले एरियम पीचर नाम पुकार दिया तो यकीन मानिए 10 लोग पलटकर जरूर देख लेंगे। ये नाम इतना कॉमन है यहाँ। दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे ज्यादा मजाकिया देश डेनमार्क के बारे में कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं सबसे खुशहाल देश डेनमार्क की एक शानदार सफर पर। कोपेनहेगन इस देश की राजधानी है। डेनमार्क की पॉपुलेशन है तकरीबन 58 लाख। वही पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर 137 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर मिल जाएंगे। वही अर्बन कंट्रीज होने के कारण डेनमार्क को 89% लोग शहर में रहते हैं, तो वही 11% ही गांवों में रहते हैं। देश की बॉर्डर यूरोप के ही अन्य देश स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी से मिलती है। दोस्तों, अगर आज ये देश सबसे बढ़िया माना जाता है तो इसकी पीछे है यहाँ के लोग। आपको बता दें कि डेनमार्क के लोगों को नियम फॉलो करने के मामले में नंबर 1 माना जाता है। जी हाँ, अगर रोड बिल्कुल क्लियर है, कोई गाड़ी भी नहीं आ रही, तो भी जब तक लेट ग्रीन न हो जाए, कोई रोड क्रॉस नहीं करता, तो यहाँ के लोगों का मानना है कि नियम उनकी बेहतरी के लिए है और उसका पालन करना इनका काम है। दोस्तों, इनसे हमें भी कुछ सीखने की जरूरत है। काश हमारे भारत में भी ये सोच आ जाए। डेनमार्क में एक अजीब सी परंपरा है। यहाँ अगर आप 25 साल के उम्र तक शादी नहीं करते तो आपके 25वें बर्थडे के दिन आपके ऊपर दालचीनी फेंका जाता है। वही अगर आपके उम्र 30 साल हो गई और आपने शादी नहीं की तो 30th जन्मदिन में आपके ऊपर काली मिर्च देखी जाएगी। वैसे आपको बता दे कि डेनमार्क देश है तो बहुत अमीर, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कार से ज्यादा साइकिल लेकर लोग निकलते हैं। इसलिए यहाँ पॉल्यूशन रेट बहुत कम है, बल्कि कह सकते हैं कि यह ना के बराबर है। पॉल्यूशन कम होने का एक और वजह है कि डेनमार्क में खूब बारिश होती है और बारिश में सारे पॉल्यूशन चले जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि देश की सफाई इनकी प्रायोरिटी है, आपको यहाँ कहीं भी गंदगी नजर नहीं आएगी। और कोपेनहेगन का बंदरगाह है इतना साफ है कि आप इस जगह पर बिंदास नहा भी सकते हैं। लेकिन वही किसी और देश की बंदरगाह को देख लीजिए, फर्क आपको नजर आ जाएगा। डेनमार्क दुनिया के सबसे पढ़े लिखे देशों में से एक है। एक सर्वे के मुताबिक 1990 से 2021 से तक डेनमार्क की लिटरेसी रेट है 99%, जो कि आबिले तारीफ है। लोगों को दुनिया का सबसे ज्यादा सच्चे दिल का इंसान कहा जाता है। यहाँ आपको बहुत कम ही ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कुछ और करते कुछ है। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके कहे बातों का बुरा भी मान सकते हैं, लेकिन कम से कम यह आपको पीठ पीछे कुछ नहीं बोलते, जो कि सबसे अच्छी आदत है। दुनिया में आपको अगर कहीं के लोग सबसे ज्यादा हंसमुख मिलेंगे तो वो है डेनिश लोग। जी हाँ, यहाँ के लोग हविस से ज्यादा मजाके होते हैं। कई बार इस मुद्दे को लेकर सर्वे किया गया है और हर बार डेनिश लोगों ने बाजी मारी है। इस देश के लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। डेनमार्क के लोगों की औसत कमाई भी इतनी है कि आसानी से इनकी गुजारा चलता है। दरअसल यहाँ आपको ना तो हॉस्पिटल का खर्चा देना पड़ता है और ना ही एजुकेशन का। डेनमार्क की सरकार एक टैक्स अमाउंट लेती है और उसके बाद सब फ्री में होता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना फ्लैग डेनमार्क का ही है। जी हाँ, 1219 में ही यहाँ का झंडा बनाया गया था और यही फ्लैग आज भी इस महान देश की पहचान है। आपको बता दें कि डेनमार्क में सरकार ने कुल 7000 ऐसे नाम दिए हैं, जिनमें से ही हर माता पिता को एक नाम चुनना होता है। अगर आपको अपने बच्चे के लिए इनसे अलग कोई नाम रखना है तो फिर उसके लिए आपको लोकल पुलिस से परमिशन लेनी होगी, और जब वो आपके नाम को पास कर देंगे तो ही आप अपने बच्चों का नाम अपने मन मुताबिक रख सकेंगे। तो आपके पास कम से कम 10-12 लोग आ सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस देश में इंसान से ज्यादा सुअरों की जनसंख्या है। जी हाँ, यहाँ पर 100 इंसानों पर 218 सुअरों का रेशियो है। आप कई बार रात के समय सुअरों के लंबे लंबे झुंडों को चलते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, डेनमार्क में प्यार करने वालों के लिए उम्र जैसा कोई बंधन नहीं होता। वर्ष 2009 में सबसे उम्रदराज जोड़े द्वारा विवाह रचा गया था, जिसमें दुल्हन की उम्र 94 वर्ष थी, जबकि दूल्हा 60 वर्षी से भी अधिक उम्र का था। है ना मजेदार बात। डेनमार्क के लोगों को पता है कि नेचर का इस्तेमाल कैसे करना है।
यहाँ पूरे साल तेज हवा चलती है, लेकिन देखिए कैसे यहाँ के सरकार ने इस परेशानी को मौके बदल दिया। आज डेनमार्क में 45% बिजली सिर्फ तेज हवाओं से बनाई जाती है। दोस्तों, डेनमार्क के लोगों के द्वारा अब तक 14 नोबेल पुरस्कार जीते गए हैं, जो लिटरेचर में 4, फिजियोलॉजी मेडिसिन में 5, फिजिक्स में 3 और शांति में 1 और केमिस्ट्री में भी 1 प्राप्त किए गए थे। अब एक शक्रत कम आबादी के साथ ही ये विषयों में प्रति व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेता की सबसे बड़ी संख्या है। तभी तो कहा जाता है कि भले ही ये देश आपको एरिया में छोटा लगे, लेकिन ये काम के मामले में बहुत बड़ा है। डेनमार्क का एकमात्र देश है दुनिया का जहां हर इंसान को तैरना आता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे स्कूल कॉलेज में हमें इंग्लिश मैथ्स या हिंदी की क्लास दी जाती है, वैसे ही डेनमार्क में सबको स्विमिंग की क्लास भी दी जाती है और आपको पास भी करना पड़ता है। दोस्तों, ये बात तो सही है कि जिस देश की जनसंख्या कम होती है वहाँ आपको ज्यादा फिट और एडुकेटेड लोग मिलेंगे। डेनमार्क की लोग फिल्म देखने के बड़े शौकीन है। यहाँ के लोगों द्वारा सबसे अधिक बार देखी गई विदेशी भाषा की फिल्म टाइटैनिक है, जिसके यहाँ वैसे दोस्तों ये फिल्म भी बहुत अच्छी थी। डेनमार्क की कोपेनहेगे में स्थित कोपेनहेगे स्टॉगेट दुनिया का सबसे पुराना और सबसे लंबा फुटपाथ है, जो लगभग 2 मील लंबा है। इस स्ट्रीट पर शाम के समय आपको सबसे ज्यादा चहल पहल दिखेंगी। डेनमार्क के लोगों के बीच कॉफी पीना बहुत पॉपुलर है। ये दिन में लगभग 5-6 कॉफी तो आराम से पीछा जाते हैं। ज्यादा ठंड पड़ने के कारण ही शायद यहाँ लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं। वहीं अगर खाने की बात करें तो यहाँ के लोग बड़े ही शौकीन हैं। डेनमार्क का नेशनल फूड है स्टीक फ्लास्क, जो कि कुरकुरा होने तक तला हुआ सुअर के मांस के टुकड़े हैं, और इसे ही उबले हुए आलू और पार्सली सॉस के साथ परोसा जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि प्रकृति प्रेमियों के स्वर्ग डेनमार्क में वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर के आप छुट्टी मनाने के लिए जा सकते हैं, और साथ ही आपका कितना खर्चा आएगा और क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। बस आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। नंबर 1 इस तिवाली गार्डन्स कोपेनहेगन। दोस्तों, आप जब भी कोपेनहेगन शहर जाएं तो आप एक बार तिवाली गार्डन्स जरूर जाएं। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत गार्डन्स में से एक है। इस गार्डन में कोई भी ऐसा फूल नहीं है जो कि आपको देखने को ना मिले। यहाँ आकर सबसे ज्यादा बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि इस गार्डन को डिज्नी थीम पर जो बनाया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर रात के समय ज्यादा सैलानी आते हैं। गार्ड में जब यहाँ फायर वर्क किया जाता है तो उसका नजारा ही अलग होता है। बारे में नेशनल म्यूजियम ऑफ डेनमार्क है। दोस्तों, तिवाली गार्डन से बस 10 मिनट की दूरी पर ही है एक आवाशांद जगह जो आपका दिल लुभा लेगी। ये है डेनमार्क के नेशनल म्यूजियम। इस म्यूजियम में आपको डेनमार्क के इतिहास के बारे में एक से बढ़कर एक चीज मिल जाएगी। म्यूजियम में कई ऐसी चीजें भी रखी गई है जो कि 2000 साल पुरानी है, इसलिए तो यहाँ सैलानियों की भीड़ हर समय लगे लेती है। क्रिश्चियन बोग पैलेस, वो है क्रिश्चियन बोग पैलेस। जी हाँ, आप इस पैलेस की खूबसूरती देख सकते हैं। 800 साल पुरानी इस महल में भी आपको इतिहास की एक एक झलक नजर आती है। यहाँ पर डेनमार्क के सभी राजा और बड़े बड़े योद्धा के बारे में बताया जाता है। बहुत बारे में रिबे, डेनमार्क के ये आकर्षक शहर अपने मध्योगीन इतिहास को अच्छी तरह से संरक्षित करने के लिए जाना चाहता है। 860 AD में पहले निर्मित शानदार रिबे कैथेड्रल आज भी यहाँ शान से खड़ा है। और रिबे वाइकिंग सेंटर एक लिविंग म्यूजियम है जो वाइकिंग संस्कृति को समर्पित है। यहाँ शाम सबसे शांत होती है और आपको इस आइलैंड की हरियाली बहुत पसंद आने वाली है। चारों तरफ समंदर और बीच में ये खूबसूरत आइलैंड, साथ ही अगर आपको है सनबाथ करने का शौक तो ये जगह है आपके लिए एकदम परफेक्ट। यहाँ पर आपको डेनमार्क का शौक बीच देखा जाता है और साथ ही आप यहाँ पर डेनिश खाने का मजा भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और डेनमार्क में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बताते हैं कि आपके पास अगर सारी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा सिर्फ 3 दिन के अंदर ही मिल जाएगा, और इससे आपको दिल्ली के एम्बेसी में जाना पड़ेगा। और अगर आप अकेले हैं तो आपको डेनमार्क घूमने के लिए 8-9 दिन में लगभग 1,00,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोन, जिसके वैल्यू लगभग 11 भारतीय रुपयों के बराबर है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत देश डेनमार्क। कैसा लगे हमें बताएं कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है कि एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूले। आपको प्रस्टेट पर देखने के लिए अगर आपको प्रस्टेट करना ना भूले।